सूरदास जी पद गाते थे और ठाकुर जी सामने प्रकट होकर पद सुनते हैं। कल हम लोग जब 84 कोस यात्रा का जो क्रम हमारा चल रहा है तो हम लोगों ने सूरदास जी की भजन स्थली का उस स्थली का दर्शन किया कि नहीं। वही चंद्र सरोवर पर विराजमान होकर के सूरदास जी ने पदों की रचना की है। 125,000 पद लिखने का संकल्प सूरदास जी का था, 1,00,000 पद पूर्ण हुए और शरीर पूरा हो गया। तो भक्त का संकल्प भी भगवान पूर्ण करने आते हैं। तो उन्होंने कहा मेरे भक्त सूरदास का जो है 125,000 का संकल्प था, 1,00,000 ही रह गए, तो बाकी 25,000 पद लिखने के लिए साक्षात हमारे ठाकुर जी पधारे और ठाकुर जी ने ही पद लिखे। जिन पदों में सूर श्याम लिखा हुआ है ना, जो सूर श्याम जिन जिन में लिखा है वो श्याम सुंदर ने स्वयं लिखे। और जब सूरदास बाबा पद गाते थे ना तो ठाकुर जी बालक बन के सामने बैठ जाते थे, हाँ बाबा बहुत अच्छा और सुनाओ, हाँ बाबा और सुनाओ, सामने बैठ के सुनते थे। वहीं चंद्र सरोवर के आगे कुंभनदास जी का स्थान है। कुंभनदास जी कृषि का काम करते थे, खेती करते थे। राठौर साहब जब खेत जोतते ना, अब खेत में बीज बोना है, अरे करहिया में तो बड़ा बूढ़ा हूं अकेला हूं, अब आ जाओ। तो ठाकुर जी छोटे से लाला बन के आ जाते और अनाज जो बीज बोना है उसको वो कपड़े में बांध के ऐसे लटकाते थे ना, पहले कपड़े में बांध करके गले में लटका लेते और हल चला रहे हैं कुंभनदास जी और ठाकुर जी स्वयं बीज डाल रहे, बीज बो रहे, खेतों की रखवाली कर रहे हैं। गिरिराज जी में एक बाबा विराजते थे, तो वो बाबा जो है बल्लभ कुली थे। अब बल्लभ कुल में जो है आचार विचार बहुत होता है, पुष्टि मार्ग में बड़ा अपरस का बहुत ध्यान रखा जाता है। जब भी मंदिर में जाएंगे स्नान करके जाएंगे, वस्त्र बदल के जाएंगे, ऐसे नहीं जा सकते। तो एक दिन बाबा ने ठाकुर जी को बढ़िया ब्यारू भोग लगाया, सैन कराया और बाबा बाहर आ गए। और जैसे ही बाबा बाहर आए तो ठाकुर जी ने आवाज लगाई, इसी कलयुग की घटना है, ठाकुर जी ने आवाज लगाई, बाबा थोड़ी ठंड लग रही है, थोड़ा सा रजाई खींच देंगे। अब बाबा बड़े बूढ़े तो थे ही, वयोवृद्ध थे, ठंडियों का समय था, बाहर आए स्नान किया वस्त्र बदले फिर गए और लाला को ठीक से उड़ाया। फिर बाहर आए, थोड़ी देरी हुई थी, फिर आवाज आई, बाबा क्या ये बिल्ली से बहुत डर लग रहा है, ये बिल्ली बड़ा उत्पात कर रही है। अरे बाबा ने कहा पता नहीं कौन सी बिल्ली आ गई। फिर बाबा अंदर गए, फिर स्नान किया, स्नान करके फिर वस्त्र बदले, अब इतनी ठंडी में फिर स्नान, फिर अंदर गए और जाकर बिल्ली को भगाया। फिर बाहर आ गए, फिर तीसरी बार आवाज आ गई, बाबा देखो ना ये वस्त्र फिर से खसक रहे हैं, थोड़ा सा ठीक कर दो ना। अब की तो बाबा थोड़ा खींच गए, स्नान किया, वस्त्र बदले और अंदर गए और जाकर बोले क्यों रे कन्हैया, जब तुझे रावण मारो कुंभकर्ण मारो तब तुझे ना बिल्ली का डर लगा, वन में रहे जब कुछ नहीं हुआ, इतने बड़े बड़े पराक्रम करे तब कुछ नहीं हुआ, और मुझे बूढ़े वाले को परेशान करने के लिए बार बार आवाज लगा के बुलाते हो कि कहीं बिल्ली परेशान कर रही है, कहीं रजाई खसक रही है, कहीं भूख लग रही है, ये सब क्या है। लाला उठ के बैठ गए और बोले बाबा या तो मुझे भगवान मान लो या मुझे अपना लाला मान लो, भगवान मानोगे तो मैं सब कुछ करने में समर्थ हूं, मैं सर्वसमर्थ हूं, और यदि मुझे अपना लाला मान रहे हो ना तो फिर तो लाला लाल बना के लाड़ लड़ाओ, फिर तो मैं आपका लाला ही बना रहूंगा, फिर तो लाला हो। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी सूरदास जी दोनों बाबा बैठे थे, सत्संग कर रहे थे, किसी ने कहा अरे हाथी आ रहा है, हाथी आ रहा है, हाथी बड़ा नारा बिगड़ गया है, हाथी बिगड़ गया है, हाथी आ रहा है। तो तुलसीदास जी तो बैठे रहे और सूरदास जी उठ के भागे। अब सूरदास जी तो इधर उधर हो गए और हाथी तो निकल गया। तुलसीदास जी ने थोड़ा चुटकी लेते हुए कहा क्यों सूरदास जी अपने प्रभु पर भरोसा नहीं है क्या, आप उठ के क्यों भागे। इतना सुनते ही सूरदास जी के नेत्र डब डब आंसू बरसने लगे और क्या कहा, बोले तुम्हारे सरकार तो धनुर्धारी रघुनाथ जी है,
तो वो कोई भी संकट आएगा उससे बचा लेंगे, पर मेरे ठाकुर तो छोटे से लाला है और छोटे से लाला को हाथी से लड़ना पड़े, उसको हटाना पड़े, ये मैं नहीं चाहता, इसलिए मैं भाग गया। मेरा तो छोटा सा कन्हैया है, ऐसा लाड़ लड़ाना पड़ता है, वो भाव बनाना पड़ता है। भगवान को केवल भगवान मानते रहोगे तो वो भगवान बन के बराजे रहेंगे, पर उनको अपना लाला बना ले, अपना सुहृद बना ले, अपना मित्र बना ले, अपना सखा बना ले, वो भाव पुष्ट होना चाहिए। और जब भाव की पुष्टि होती है तो भाव जोड़ने वाले हम हैं और उस भाव की रक्षा करने वाले गोविंद हैं। आप जो संबंध बनाएंगे, जो भाव बनाएंगे, प्रभु उसको पूरी तरह निभाएंगे। संत नामदेव जी, संत नरसी मेहता, कितनी इनके साथ लीलाएं हुई है। कुमनदास जी जो है ना, जिनका भी हमने स्मरण किया, इन्हीं के पुत्र थे गोविंद देव जी। ये सब कलयुग के भक्तों की चर्चा है। अब गोविंद देव जो है उनके साथ तो ठाकुर जी प्रत्यक्ष होकर लीला करते थे, खेल रहे, सखा भाव था उनके साथ, कभी गेंद खेल रहे, कभी कोई खेल खेल रहे, लुका छुपी खेल रहे। अब एक दिन जो है ठाकुर जी प्रकट होकर कुछ और ब्रजवासी बालकों के साथ खेलने लगे। गोविंद देव जी ने कहा, अरे कन्हैया, मैं तेरी शिकायत बाबा से करूंगा, तू इन बालकों के साथ खेल रहा है, ये बालक ना नहाते ना धोते, वैसे ही मैं तेरी शिकायत करूंगा, नहीं तो जा सरोवर में स्नान कर। अब कन्हैया सरोवर में आचमन करने ही गए थे कि चलो आचमन करके मार्जन कर ले, तब तक गोविंद देव जी ने धक्का दे दिया सरोवर में। और जैसे ही धक्का दिया सरोवर में तो गिरे पर निकल के आए और उन्होंने पीछे से गोविंद देव जी को धक्का दे दिया, दोनों जल क्रीड़ा करने लग गए। बड़ा समय हो गया। उधर कुमन दास जी ने भोग लगा के घंटी बजाई और जैसे ही घंटी बजाई तो ठाकुर जी भागे। अब मंदिर में ठाकुर जी पहुंचे तो वहां क्या देखते हैं कुमन दास जी, ठाकुर जी के वस्त्रों से जल टपक रहा है। कुमन दास जी ने पूछा, जय जय सरकार, ये क्या है, ये आपके वस्त्रों को भिगा किसने दिया। ठाकुर जी प्रकट होकर कहने लगे, बाबा ये गोविंद है ना, ये मुझे बहुत सताते हैं, पता है आज मुझे सरोवर में धक्का मार दिया। अब ठंडी का समय, बाबा को लगा कि अरे मेरे लाला को उठाओ, इतनी ठंडी में सरोवर में पानी में पटक दिया, सिगड़ी जलाई, सिकाई करी, वस्त्र बदले। और जब गोविंद आए तो उनको बहुत फटकार लगाई, क्यों गोविंद, ये सब क्या है। उन्होंने समझाया कि देखो ये उन बालकों के साथ खेल रहे थे, इसलिए मैंने स्नान के लिए भेजा था, और उन्होंने मुझे भी धक्का मारा। ठाकुर जी पर प्रकट हो गए और ठाकुर जी कहने लगे, बाबा अब आप तो ब्राह्मण हैं, वेदज्ञ हैं, आप आचार विचार रख सकते हैं, पर मुझे तो सबको अपनाना होता है, सबके साथ खेलना होता है, वो भी तो मेरे सखा है। ठाकुर जी हृदय की निर्मलता देखते, हमारे मन में कितनी निर्मलता है, और एक बार हम उसको उस भाव से जुड़ जाएं। देखो वृंदावन आए हैं, अब वृंदावन से जब ही लौटना है कि प्रभु से कोई भाव जोड़ ले, प्रभु आप मेरे लाला हैं, मेरे मित्र हैं, आप मेरे स्वामी हैं, कोई भी भाव। हम तो कहते हैं भरतलाल जी कि जीवन में जिसकी कमी हो, मान लो संतान नहीं है, ठाकुर जी को बना लो, किसी को कोई बढ़िया मित्र नहीं मिल रहा, इनसे बढ़िया मित्र कोई नहीं हो सकता, पति नहीं रहे, इन्हीं को मान लो, पिता मान लो, पति मान लो, गुरु मान लो, जो मानोगे। अरे भैया पिता बनने बाप बनने तो दुनिया तैयार है, पर हमारा कन्हैया तो बेटा बनने तैयार है, बोले बेटा बना लो। और ये अपने प्रेम में खूब रुलाता भी है, जो प्रेमी होते हैं खूब प्रेम में रोते हैं भाव में। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कन्हैया रुलाता तो है पर एक एक आंसू का मोल चुकाता है, एक एक आंसू का मोल चुकाता है।